नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर के इस नए सीजन में आप सबका स्वागत है। बीजी, कहाँ खो गए आप? वो महेश मुझे फिर से दिखा, बाइक पे आया जैसे हमेशा आता था। बीजी कोई नहीं है वहाँ। वो महेश मुझसे कुछ कहना चाहता है। बीजी, महेश भैया आप नहीं रहे, अब क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे? बीजी आप एक काम करो ना, बड़े दिन हो गए आपके हाथ की चाय नहीं पी, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो जाते, मजा आ जाता। किसी करीबी को खोने का घाव समय भी नहीं भर पाता है, और फिर अपने पेट से जने बच्चे से करीब और कौन हो सकता है। महेश अठवाल अरुणा अठवाल का बेटा सिर्फ 26 वर्ष का था जब एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। महेश अठवाल की मौत दुर्घटना स्थल पर ही हो गई थी। उसकी मां अरुणा तब से बेजान है। जी महेश, महेश जी मौत की सड़क एक तरफा होती है, कोई भी चाहत कोई भी ताकत जाने वाले को वापस नहीं ला सकती। वो बस छोड़ जाता है तो सिर्फ एक ही चीज, यादें। और सिर्फ अच्छी यादें ही एक जरिया होती हैं जाने वाले को अपनों के दिलों में जिंदा रखने की और उसकी जिंदगी का जश्न मनाने की। और अगर कोई ये सोचे कि जिंदगी बेलगाम जाया करने के लिए है तो उससे अच्छी यादों की उम्मीद रखना एक भ्रम है। मम्मी निकल रहा हूँ, बाय। बताया नहीं कहाँ जा रहा है मंदीप? काम से जा रहा हूँ, सुखदेव के साथ। सस्रेकाल आंटी जी। सस्रेकाल, कब तक लौटेगा पुत्र? मम्मी सुबह तक आ जाऊंगा, तो आप सो जाइएगा, इंतजार मत करना। इस आग को खेतों में जल रही पराली समझा गया और किसी को कोई शक नहीं हुआ। पर दूसरी सुबह इस आग की हकीकत सामने आई। एक जुर्म रोशनी में आया और स्पष्ट हुआ कि खेत में जो जला पड़ा था वो एक इंसान की लाश थी।
जनाब, जनाब किशोर बनना, ये इनकी ही खेत है। किशोर जी कौन है, पहचानते हैं उसको? जी ये देखो मेरे नए जूते, एकदम विलायत वाले, कनाडा वाले। सुखदेव पुत्र, तेरा बचपन तो पीछे छूट गया, लेकिन तूने बचपना नहीं छोड़ा अभी तक। अरे काम का पहाड़ पड़ा है यहाँ, खेतों में आकर हाथ बटाया कर। ताऊ जी फिर से भाषण देने लगे। मैं यहाँ खून पसीना बहाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हूँ। बड़ा बड़ा बनने के लिए छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। वैसे भी तूने बहुत देर कर दी है, 29 का होने वाला है। कुछ तो अपनी बीजी का ख्याल कर, सालों से उसके चेहरे पे हंसी नहीं देखी है। आप ना पूरा मूड की, ये तो सुखदेव लगता है। मेरा भतीजा सुखदेव बनना। आपका भतीजा सर, वहां पास की झाड़ी में ये मोबाइल मिला है, शायद कोई झड़प हुई हो। ये देखिए, यही है क्या? हाँ ये फोटो तो मेरे भतीजे की है, सुखदेव बनना यही है। सर सर इधर आइए, ये देखिए सर, गाड़ी के टायर की दो मार्किंग्स हैं। ऐसा लग रहा है शायद कोई गाड़ी खेत में आई और फिर यहाँ से वापस रोड की तरफ चली गई। और सर इस तरफ ये देखिए सर, यहाँ शराब की बोतलों के साथ साथ एक से ज्यादा ग्लास, लगता है एक से ज्यादा लोग होंगे। किशोर जी आपका भतीजा सुखदेव यहाँ किसके साथ शराब पीने आया हो? सर मुझे कोई खबर नहीं है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. देखना गुरविंदर, मंदीप ने फिर से फोन बंद कर रखा है, बोला था सुबह तक आ जाएगा। कई दिनों से यही तो चल रहा है मम्मी जी, पड़ा होगा उस सुखदेव के साथ कहीं पी पाके। सुखदेव की बीजी भी बहुत परेशान रहती है, जब भी मिलती है गुरुद्वारे में मुंह लटका ही रहता है उनका। कोई बात नहीं मम्मी जी, जल्दी आपकी भी यही बारी आने वाली है। वैसे एक बात बताओ मम्मी जी, आप मंदीप को कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ सारी गलती तो मेरी ही है ना, आने दे मंदीप को, तू ही खरी खोटी सुना लेना उसे। खरी खोटी सुनाने का कोई फायदा नहीं मम्मी जी, बस मंदीप को सुखदेव से अलग करना है। ये सुखदेव बड़ी बड़ी बातें करता है, हवा में उड़ा फिरता ही है, और अपना मंदीप उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। बॉडी को पूरी तरह जलाया तो जरूर गया, मगर डेथ की असली वजह गला घोटना, गले पे स्ट्रैंगुलेशन के निशान है, मारने के बाद ही बॉडी को जलाया गया। क्राइम सीन से हमें शराब की दो खाली बोतलें और दो ग्लास भी मिले। वो जो क्राइम सीन पे मोबाइल मिला आपको, वो शायद गलती से रह गया होगा। जब उन्होंने पहचान मिटाने के लिए पूरी बॉडी को जला दिया, तो फिर कोई क्राइम सीन पे ऐसे मोबाइल को छोड़ेगा? कातिल सुखदेव की पहचान का ही होगा, क्राइम सीन पर दो ग्लास मिले मतलब दोनों ने साथ में बैठ के शराब पी हो। वो इसका कोई ना कोई दोस्त ही होगा। इसको तुरंत चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब लेकर जाओ, मैंने बात कर लिया हुआ। इस फोन का कोड क्रैक करना है, ये फोन वापस चाहिए, साथ में लेकर आना। इस एनवेलप में फोन की सारी डिटेल्स है। जी सर। सुखी एकलौती औलाद थी, इसका बाप मेरा छोटा भाई 8 साल पहले गुजर गया। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कल रात सुखदेव ने अपने किन दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी होगी। नहीं मैं तो सुखदेव के उतना करीब था नहीं, और हरप्रीत तो बता नहीं पाएगी। ये क्यों नहीं बता पाएंगी? कह रही थी कि सुखदेव 2 दिन पहले घर से झगड़ा करके निकल गया था। क्या बात है रश्मि? वो क्या, किसी ने सुखी भैया का मर्डर कर देता। उनके ताऊजी के खेत में उनकी जली हुई लाश मिली है। अब्बा बीजी क्या बकवास कर रहा है रोशन? गुरु बाजी लेकिन सभी जगह यही बात हो रही है। तो मेरा मंदीप कहाँ है? वो तो सुखदेव के साथ ही गया था। पता नहीं आंटी जी, पुलिस भी यही पता कर रही है कि सुखदेव किसके साथ बैठा था पीने के लिए। जगदीश बग्गा सुखदेव बन्ना का दोस्त, वो जो गाड़ी थी इसी की थी, सुखदेव लेकर के गया था। जगजीत तुम्हारा दोस्त सुखदेव किसको लेकर गया था तुम्हारी गाड़ी? वो तो नहीं मालूम जी, लेकिन 2 दिन पहले अपने पीजी से झगड़ा करके मेरे यहाँ आया था, और फिर पूरा दिन मेरे यहाँ पड़ा रहा। फिर कल शाम को बोला कि गड्डी चाबी दो शिमला जाना। शिमला जी? क्यों? कुएं का मेंढक बनने से कोई राजा नहीं बनता भाई। शिमला में दुकान मिले बहुत सस्ती, मेन मार्केट 100% प्रॉफिट। पर बिजनेस के लिए शिमला जाने की क्या जरूरत है?
पता है कितने पैसे लगेंगे, कहां से करेगा? पैसे का जुगाड़ हो गया है, तेरे भाई की बहुत पहुंच है, तू बस यार चाबी दे। पहले पीजी से बात तो कर ले, लड़ झगड़ के निकला है, एक फोन तक नहीं किया। हाँ यार, पीजी से झगड़ना नहीं चाहता, पर क्या करूं, मजबूरी है। ऐसी भी कौन सी मजबूरी है? है कुछ मजबूरी, पर पीजी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, अकेली है, इकलौता हूं, जानता हूं मैं उनके लिए क्या मायने रखता। अच्छा, तेरी हरकतों से लगता तो है नहीं। जो करने जा रहा हूँ उन्हीं के लिए करने जा रहा हूँ, खुश कर दूंगा बीजी, सब ठीक होगा। यार चाबी दे। सर मुझे लगा था कि शिमला चला गया होगा, लेकिन फिर किसी ने बताया कि ये उस्मान मेरी गड्डी की पूछताछ कर रहा है। सुखदेव किस तरह का बिजनेस शुरू करने वाला था, बताया था कुछ उसने? पैसे वैसे थे उसके पास? सर वो तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन उसने इतना बताया था कि वो स्नैक्स का बिजनेस करना चाहता है। अब सर दुकान का किराया पकड़ लो, माल वाल पकड़ लो, 1.5-2 लाख तो चाहिए, इतने तो लगते हैं सर। इतना पैसा कहाँ से आया होगा उसके पास? सर वो नहीं मुझे पता। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि वो शिमला किसके साथ जाने वाला था? जी नहीं सर, वो तो मेरी गड्डी लेके गया। सर गुरदेव कॉलोनी में एक मनदीप खोसा रहता है, सुखदेव का दोस्त, सुखदेव के साथ वही था। मनदीप की माँ और भाई दोनों यहाँ थाने में आए। सर क्या सुखदेव की हत्या गर्मा गर्मी के क्षण में हुई थी, या फिर मनदीप ने सोच समझ कर यह हत्या की थी सुखदेव के पैसे हड़पने के लिए? और इन दोनों दोस्तों के बीच में जो हाथापाई हुई थी उसका कारण क्या था? पता नहीं जनाब, फोन स्विच ऑफ आ रहा है जी। मनदीप का सुखदेव के साथ कभी किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं जी, जैसा आप लोग सोच रहे हो मेरा भाई मनदीप वैसा कभी नहीं कर सकता। सुखदेव ने खुद सामने से फोन किया तभी मनदीप उसके साथ गया, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ सुखदेव, कहाँ गया वो? तुम्हारी मम्मी मिली थी, बोली लड़ झगड़ के निकले हो घर से। क्या हो रहा है भाई? ठीक है चलते हैं, कब तक आ रहा हो पिकअप करने? 1 घंटे बाद सुखदेव गाड़ी लेकर आया और मनदीप को अपने साथ ले गया। इसने क्या आंटी जी? मनदीप ने कहा सुबह तक लौट आएगा वो। हमें मनदीप की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, जिसने भी सुखदेव को मारा उससे मेरे भाई मनदीप को भी तो खतरा हो सकता है। हमें ऐसा लग रहा है कि सुखदेव को मनदीप ने मारा और पैसा लेकर फरार हो गया। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढिए, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। मेरे भाई मनदीप को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता, वो थोड़ा आलसी है लेकिन ऐसा करना वो 7 जन्मों में भी नहीं सोच सकता, और उसको ठोक पीट के अभी तो मैंने काम पे लगाया था। भाई चंदू मेरे को पानी पुनी पिला दे। अरे अच्छा हुआ पाजी आप आ गए। क्यों पाजी? एक अर्जेंट काम आ गया था, मैं थोड़ा जा रहा था, आके मिलता हूं। दीप देख मेरे को ना सवेरे सवेरे तो गुस्सा ना दिला, यही तेरा काम है, इससे अर्जेंट कुछ नहीं है, समझा? पाजी 2 मिनट चुपचाप बैठ के गला संभाल, सब्जी मंडी जा रहा हूं सब्जी लेने। पाजी पाजी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? पाजी पाजी छोटा भाई हूं आपका, कोई गुलाम नहीं हूं। यही तेरा गुड लक है काका कि मैं तेरा भाई हूँ, इसलिए इतनी जल्दी तेरे को गले पे बिठा दिया, वरना 3-4 साल ये टेबलें साफ कर रहा होता तू। चल जा, दिल का काम है। बड़ी मुश्किल से मनदीप को लाइन पे लेके आया था, और फिर 6 महीने पहले इसकी दोस्ती सुखदेव के साथ हो गई। जब से दोस्ती सुखदेव के साथ हुई है मनदीप तो मनदीप का तो मतलब वही जनाब, घूमना फिरना, हर दूसरे दिन शराब पीना, काम का फिक्र नहीं और बातें बड़ी बड़ी। वो सुखदेव खुद तो कुछ काम करता नहीं था और मेरा भाई इसकी बातों में आ गया। 4-6 दफा ज्यादा पीवी कर घर आया, पर कभी कोई मारपीट नहीं, पैसों का कोई घपला नहीं। सुखदेव शिमला में स्नैक्स का बिजनेस करने जा रहा था, उस वक्त शायद उसके पास 1.5-2 लाख रुपए भी रहे होंगे। पर मनदीप सुखदेव को पैसों के लिए मार देगा? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जनाब सुखदेव मेरे भाई मनदीप को अपने साथ ले गया, ये बात मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। मेरे भाई मनदीप को 0 पता है बिजनेस का। मैं तो कहती हूँ मेरे मनदीप को सुखदेव ने फंसाया होगा, उसकी जान भी खतरे में होगी, आप लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे? जसप्रीत जी सुखदेव का मर्डर हुआ और बेटा आपका फरार है। गुरविंदर तुम्हारा भाई खुद सामने आए और जवाब दे, या हम उसे ढूंढ निकालें, जैसे भी हो, फिलहाल शक सबसे ज्यादा उस पर ही। मनदीप खोसा की सर्च ऑपरेशन काफी जोरों से चली, पर ना मनदीप की खबर आ रही थी और ना ही उस कार की जिससे मनदीप शायद फरार हुआ हो सकता था। सुखदेव के शव का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी मां उस झगड़े को याद करके बहुत पछता रही थी जो कत्ल के पहले सुखदेव और उसके बीच हुआ था। मनदीप की मां का भी बुरा हाल था, वो इस बात को मान ही नहीं पा रही थी कि मनदीप की
सुखदेव का खूनी होने की संभावना है। सर, सर मनदीप के फोन की लास्ट लोकेशन अपने बठिंडे की है। दरअसल किशोर बन्ना के खेत के पास की है, जहां मैं सुखदेव की लाश मिली थी। उसके कॉन्टैक्ट से कोई हेल्प की पॉसिबिलिटी? सर फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से ज्यादातर बातें सुखदेव के साथ ही हुई हैं, थोड़ी बहुत बातें बड़े भाई गुरविंदर के साथ और एक आधा कॉल माँ के साथ। पर हाँ, सुखदेव का लास्ट कॉल मनदीप के साथ था, जैसा कि उसकी माँ ने बताया। हाँ सुखदेव, कहाँ गया वो? तुम्हारी एक बात खटक रही है मुझे। क्या सर? सुखदेव कोई रेगुलर जॉब तो कर नहीं रहा था, नहीं उसका कोई बिजनेस चल रहा था। 1.5-2 लाख रुपया कैश उसके पास कहाँ से आया? 1.5-2 लाख? शिमला में बिजनेस करने जा रहा था, मुझसे तो कभी जिक्र ही नहीं किया उसने। हमें सुखदेव के दोस्त जगजीत ने बताया, सुखदेव जिसकी गाड़ी लेकर गया। सुखदेव को तो सब जानते थे, वो तो धंधा जमा ही नहीं पाता, कौन देगा उसे इतने पैसे? झगड़े से पहले भी उसने कुछ नहीं बताया। भरप्रीत जी, सुखदेव के साथ आपका किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा हमेशा एक ही बात को लेकर होता था कि वो कुछ कमाता धमाता नहीं था। आप और ताया जी का बस एक ही मकसद है, जिंदगी में ताने मारना, सुखी की जान लेना। पुत्र, हम ही दोनों को फिक्र है तुम्हारी, समझ में आया? हाँ, मुझे तो फिक्र है नहीं ना आपकी। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि किसी एक चीज में दिल और दिमाग लगा और उसी पे टिका रहे। 30 का हो जाएगा अगले साल, शादी भी करनी है, ऐसा ही रहेगा तो कौन देगा कोई लड़की अपनी? वो तेरा दोस्त था ना, वो क्या नाम था उसका, महेश? कैसे उसने कर लिया था कुछ? महेश को बीच में मत लाओ बीजी। मैंने किसी को बीच में नहीं ला रही हूँ, बस तुम्हें इतना बता रही हूँ कि कुछ सीखने जैसा था उस लड़के में, कोशिश करेगा तो बन जाएगा उसके जैसा। और नहीं बनना, नहीं बनना किसी के जैसा। खुश हूँ मैं अपने आप से, लेकिन आप लोग मुझसे खुश नहीं, ये दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, क्या बकवास किया जा रहा है? मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के, इसके बाद आप लोगों की भी टेंशन खत्म और मैं अपना खुद देख लूंगा। और सुखी पागल हो गया क्या, क्या बकवास किया जा रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, आज से आप लोगों की जिंदगी अलग और मेरी जिंदगी अलग। और सुखी मेरी बात सुन पुत्र, सुखी। ये महेश कौन है? महेश सुखी का अच्छा दोस्त था, और जब भी उसकी बात निकलती थी ना, सुखी बहुत दुखी हो जाता था। क्यों, कुछ हुआ था दोनों के बीच? नहीं, वो महेश तो अब रहा नहीं ना, रोड एक्सीडेंट हो गया था उसका। सुखदेव और मेरा झगड़ा तो आए दिन होता रहता था, ये कोई नई बात नहीं थी, पर उससे जो हुआ ना वो अलग था। मतलब क्या अलग था? ऐसा नहीं था कि झगड़ा पहली बार हुआ था, पर झगड़ा हमेशा मैं शुरू करती थी, पर उस दिन झगड़ा उसने शुरू किया, मानो मुझे उकसाना चाह रहा हो। इंटरेस्टिंग है सर, सुखदेव और मंदीप दोनों की स्टोरी एक जैसी, दोनों की माँ को अपने अपने बेटों की फिक्र थी और दोनों ही जिम्मेदार नहीं थे। जिम्मेदार नहीं था तो उसे किसी ने इतना सारा पैसा कैसे दे दिया? और अगर उसने पैसा किसी से नहीं लिया तो उसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? शिमला में अपनी एक टीम एक्टिव तो किया सर, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि सुखदेव अपने स्नैक्स वाले बिजनेस के लिए कौन सी दुकान किराए पे लेने वाला था। तोमर, मुझे सुखदेव की माँ हरप्रीत की बात बार बार खटक रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार झगड़ा सुखदेव ने शुरू किया था, उन्हें लग रहा था जैसे सुखदेव झगड़े के लिए उन्हें उकसा रहा हो। उस दिन झगड़ा उसने शुरू किया, मानो मुझे उकसाना चाह रहा हो। उन्होंने ये भी बताया कि जब जब महेश का जिक्र आता था तो सुखदेव दुखी हो जाता था। सर, ये महेश अब जिंदा नहीं है, लेकिन शायद उसका कनेक्शन है सुखदेव के मर्डर से। नहीं, सुखदेव ने मनदीप के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। राजीव, आपका बेटा महेश और सुखदेव काफी अच्छे दोस्त हैं, एकदम खास भाई थे। सुखी मुझे कहता, आंटी जी, महेश मेरा दूसरी माँ का बेटा है। तो घर आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि खुद महेश ही आया हो, ऐसा लगता है वो यही है। है आंटी जी, हमारे दिलों में। सिर्फ दिलों में नहीं, वो सच में है, यहाँ है, दिखता है मुझे। तुम मत देखिए उस तरफ। बीजी, सच बताइए, आप सुखी भैया को यहाँ पर क्यों बुलाती हैं? क्योंकि आप उनमें महेश भैया को ढूंढती हैं। सुखी भैया, आप ही समझाओ उन्हें, महेश भैया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब बीजी उन्हें अपने दिल से विदा करेगी। ते ओ तो बीजी ने किया ही नहीं, पता नहीं क्यों खुद को तकलीफ दे रही है। और देखो,
सुखी भी गया छोड़कर। मेरा दूसरा बेटा, दोनों अपने समय से पहले ही चले गए। हाँ तो मर। सर मैं दरियाकोट थाने से बोल रहा हूँ, महेश अटवाल एक्सीडेंट केस फाइल मेरे सामने ही है। कुछ गड़बड़ है क्या? लग तो नहीं रहा सर, हिट एंड रन केस था। महेश अपने काम से लौट रहा था, कोई फाउल प्ले भी नोट नहीं हुआ। एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था सर। कोई अरेस्ट हुआ था? नो सर, ना तो ट्रक मिला और ना ही ट्रक ड्राइवर। कब की बात है ये? 3 साल पहले। ठीक है अरुणा जी, बस एक बार आपसे बात करना चाहता था। शुक्रिया। सुनिए, जी बोलिए। ये मनदीप को आप जाने दीजिए। क्यों? और आप ये क्यों बोल रही हैं? वो मेरा बेटा महेश, जो मुझे सपनों में आता था, फिर मुझे वो हर जगह दिखने लगा। वो बहुत बेचैन था। जी आपने बताया उसके जाने के बाद आप काफी बेचैन रहने लगे। नहीं मैं नहीं, वो बेचैन था। वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। देखिए अरुणा जी, अब नहीं कहना चाह रहा है। अब वो मुझे दिखता भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बेचैन इसलिए था क्योंकि वहां वो अकेला था ना। अब सुखी भी वहां है, उसका दोस्त, उसका भाई उसके पास है। क्या अरुणा अटवाल के बेटे महेश अटवाल की मौत उसके दोस्त सुखदेव के मर्डर के साथ जुड़ी हुई थी? अब इस केस का एक और एंगल, एक चौंका देने वाला पहलू पुलिस के सामने आने वाला था। मनदीप खोसा को लेकर एक बात थी जो ना तो मनदीप के भाई ने पुलिस को बताई थी और ना ही मनदीप की मां ने। एक अजीब जानकारी मिली है साहब, ये जो मनदीप है 3 साल पहले अगवा किया गया था। मनदीप किसने अगवा किया था? धनई कॉलोनी में चंद्रपाल है, चंद्रपाल सेठी। मैं समझाया सिद्ध, मेरे बर्दाश्त को ना जमा। और 6 महीने के 12 महीने हुए, 12 के 16, 16 के 18 और अब तो पूरे 2 साल हो गए, पर तूने मूल तो छोड़, मुझे ब्याज का 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया। मैं क्या सोचा था कि तू मुझे सॉरी की गोली देता रहेगा और मैं चूसता रहूंगा गन्ने की तरह? नहीं नहीं नहीं, आज तू कोई सोरी शोरी नहीं, आज तू मनदीप को बंदी बनाकर रखा था साहब, और जानवरों से बत्ते पिटाई की थी इसकी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, गुरुविंदर बड़ा भाई धनोई थाने गया और रपट लिखवाई और उन्होंने छुड़वाया मनदीप को। मैटर है तो काफी अजीब, पर ये मनदीप का पर्सनल मैटर था। वैसे भी 3 साल पहले मनदीप और सुखदेव की दोस्ती तो हुई नहीं थी, फिर ये सुखदेव कहां से आ गया बीच में? सर सुखदेव के पास इतने पैसे आए कहां से? सुखदेव ये बहस रख ले, लेकिन मेरा जो काम है जैसे होना है वैसे ही होना चाहिए। कड़ियां जोड़ो साहब, सुखदेव अपनी माँ से जानबूझकर झगड़ा मोल लेता है और अपने दोस्त जगजीत के वहां रहता है और फिर कहता है कि शिमला जा रहा है स्नैक्स का बिजनेस खोलने, पर इसका कोई सबूत नहीं है। सुखदेव की एक चाल थी मनदीप को अपने साथ ले जाने की। यार खाने पीने का बिजनेस अपना एरिया है, फैमिली ढाबे पर बहुत एक्सपीरियंस लिया है मैंने। भाई इसीलिए तेरे पास है, शिमला में सस्ती जगह मिल रही है, पता पार्टनरशिप करेगा? सुखदेव पैसे नहीं है यार डालने के लिए। अबे तेरा एक्सपीरियंस तेरी लागत, पैसे मैं लगाऊंगा, बिजनेस तू चलाएगा और प्रॉफिट का 25% तेरा, पता? ठीक है भाई। अबे अच्छा चल गया तो 50% प्रॉफिट यार। भाई डन 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 डन। प्लान ये रहा होगा कि सुखदेव मारेगा मनदीप को, पर हुआ उल्टा। मंदीप पैसे लेकर फरार हो गया। गुड जॉब उस्मान, हम इस एंगल को भी टटोलेंगे। अब तेरे लिए एक और काम है। हुक्म मलिक। एक औरत है अरुणा अटवाल, अगर वो सुखदेव मेरे मंदीप को मारने चला था और उसने अपने बचाव में सुखदेव को मार डाला,
इसने क्या गलत किया हा? लेकिन मम्मी जी पुलिस ये कह रही है कि अगर मनदीप ने अपने बचाव के लिए सब कुछ किया था तो सीधा उनके पास जाना चाहिए था। लेकिन मनदीप ने ऐसा नहीं किया, उसे पहले लाश को जलाया और फिर पैसे लेके फरार हो गया। नहीं, ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी, मनदीप ने सुखदेव के साथ दोस्ती क्यों की? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, बर्बाद कर करके दिया लड़के। मेरा बेटा सुखदेव कैसे इस गलत रास्ते पे चला गया भाई साहब? रब जाने हरप्रीत, रब जाने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं और क्या हो जाता है। मैंने सुखदेव को सुपारी दी मनदीप को मारने के लिए, ये कह रहे हैं आप? हुआ तो यही था, अब तुम बताओ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? नहीं नहीं जनाब, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही बता दीजिए कि मैं इस छछुंदर से मनदीप को मारने की सुपारी क्यों देता? उसने पैसे हड़पे थे तुम्हारे, 75,000। उसके भाई ने पुलिस कंप्लेन की थी तुम्हारे खिलाफ। चाय पानी वकील का खर्चा 50,000। आगे बोलिए। तुम बोलो गड़बड़ कहाँ हुई, सुखदेव को कैसे मारा, मनदीप कहाँ इस वक्त? पहली बात तो ये है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी सुखदेव नाम के आदमी को कभी मिला ही नहीं, और दूसरी बात इस मनदीप की वजह से मेरा 50 जमा 75 पूरे 1,25,000 का काटा हुआ। जरा हमारी साथ पूछते ना, यही काम करती आ रही है, मतलब लोगों को पैसा उधार दे। वैसे तो ये 1,25,000 रुपए मेरे हाथ की मैल है, पर जनाब अगर मैं ये छोटी छोटी रकमों के लिए लोगों की सुपारी देता फिरूं तो एक दिन मेरी औकात सुपारी बेचने की भी नहीं रहेगी। तुम कह रहे हो 1,25,000 रुपया तुम्हारे लिए हाथों का मैल है, मनदीप ने तो सिर्फ 75,000 रुपए लिए थे तुमसे, तो तुमने उसको अगवा क्यों किया, इतनी पिटाई क्यों की उसकी? आप और आपके बंदे इस बंद कमरे में छोटे छोटे लोगों को कूट डालते हो, जरूरी होता है ना सच बताना दिल से? जरूरी होता है, पर दिल की पड़ास निकल जाती है। हमारे धंधे में भी कुछ ऐसा ही है, 6 महीने का साल हुआ समझ में आता है, साल के 2 साल हुए तो भी समझ में आता है, लेकिन मेरे पैसे को सट्टा बाजार में उड़ाओ और मेरा फोन ना उठाओ और ऊपर से आपका पाई मुझे अकड़ दिखाए। जनाब हम बड़े दिल वाले हैं, छोटी अकल वाले नहीं। हमारे धंधे में अगर आज एक को जाने देंगे तो दूसरा ये समझेगा भाई ये तो बेवकूफ है, पैसे लो वापस मत करो। बस सबक सिखाना था मनदीप को, उठा लिया। अब आप बोलिए, आप कूटेंगे अपनी आदत के हिसाब से या मैं जाऊं अपने काम धंधे पे? छोड़ नहीं रहा हूं तुम्हें, लेकिन फिलहाल जा सकते हो, और इतनी बात याद रखना जब तक मनदीप नहीं मिल जाता है ना हमारी नजर रहेगी तुम पर। इस मर्डर केस से मेरा कुछ लेना देना नहीं, आप तक्के में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। हाँ आपको जरा सा भी शक है इस मनदीप पर कि वो किसी को मार सकता है और पैसे लेके भाग सकता है, तो आप अपने इस शक को पकड़ के रखिए, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, वो किसी काम का नहीं है, वो आवारा एकदम आवारा। सत श्री अकाल। मनदीप खोसा की तलाश पूरे 1 महीने चली, पर उस 1 महीने के बाद भी मनदीप खोसा का कोई अता पता नहीं मिल पाया था। बिल्कुल हवा हो गया था मनदीप, पर क्या वो कभी मिलने भी वाला था? एक और महीना बीता और अब आया एक और चौंका देने वाला ट्विस्ट एक अलग ही दिशा से। सुखदेव की हत्या दरअसल एक सोची समझी साजिश थी, एक ढोंग, एक षड्यंत्र रचा गया था, पर उस षड्यंत्र का जो परिणाम हुआ था उस परिणाम ने इस केस को घुमाकर पुलिस के सामने रख दिया था और पुलिस दंग रह गई थी। इंस्पेक्टर मलिक। सर, विक्टिम की बॉडी का डीएनए सुखदेव की मां के डीएनए से मैच नहीं करता। व्हाट? ये क्या कह रहे हो इतिहास? रिपोर्ट्स कह रही है सर, हमने डबल टेस्ट किया है, मैं 100% श्योर हूं वो लाश सुखदेव की नहीं थी। सब कुछ प्लॉट किया गया था सर, वो विलायती जूते, मोबाइल फोन, वो लाश सुखदेव की नहीं थी, मनदीप की थी, इसलिए मैं मनदीप नहीं मिल रहा था। चेयर्स। यार सुखे बहुत ज्यादा हुई है, तू भी आउट लग रहा है मुझे भाई, ऐसे में तू गाड़ी चला के शिमला तक ले जाएगा, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। बठिंडा हो या शिमला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मौत लिखी होती है ना कोई कहीं भी मर सकता है। मरे हमारे दुश्मन, और तू ऐसा क्यों बोल रहा है यार? क्योंकि तू मरने वाला है अभी। सुखे मंदीप नहीं है।
क्या हो गया बे? कितने पी लिए तू? सजा गया क्या भाई? मुझे क्यों मानना चाहता? क्या हुआ? जसप्रीत जी, गुरविंदर, आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। आप दोनों के डीएनए सैंपल्स लेने होंगे। क्यों जरा? जो लाश हमें खेत में मिली, हमें लगता है वो सुखदेव की नहीं है। तो किसकी है जनाब? शायद वो लाश मनदीप की है। मम्मी, वो लाश आपके बेटे सुखदेव की नहीं थी, बल्कि उसके दोस्त मनदीप कोसा की थी। उस रात सुखदेव ने मनदीप के साथ वहां शराब पी, उसका मर्डर किया, फिर उसकी लाश को जला दिया। सुखदेव का अपना मोबाइल फोन वहां छोड़ना, अपने जूते लाश को पहनाना, ये सब उसने इसलिए किया ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि मर्डर उसी का हुआ है। सुखदेव कहाँ है? छुपा हुआ है, अभी ढूंढ रहे हैं उसको। सुखदेव ऐसा करेगा क्यों? दोनों दोस्त थे, वो मनदीप को मार क्यों डालेगा? ये सब सुखदेव ही बता सकता है जब भी वो मिलेगा। और चलते हम उसको ढूंढेंगे। ऐसे फील्डिंग लगाइए सुखदेव के लिए, बहुत जल्दी केस देगा, देखिएगा। और कुछ? जी, अरुणा अटवाल। क्या स्टोरी है सर? वैसे तो कुछ खास नहीं, पर हाँ, ये औरत झाड़फूंक तंत्र मंत्र करती है, खासकर बेटा महेश के जाने के बाद, जो सुखे का खास था। मुझे लगता है इस अरुणा अटवाल को पता होगा सुखदेव का, सुखदेव को बेटा मान दिया। मेरी टीम में ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं, पर मैं कहता हूँ और खोदने को। अरुणा अटवाल की एक बात मुझे बड़ी बेचैन कर गई। ये मनदीप को आप जाने दीजिए। अजीब है उसका ये कहना, मानो मुझसे कह रही हो कि मैं इस केस को ड्रॉप कर दूं। कुछ तो अजीब है इस औरत में। बीजी, बीजी, सुखी भैया मरे नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है पुत्र, सुखी जिंदा है। नहीं बीजी, सुखी भैया खूनी है, उन्होंने उस मनदीप को मार डाला। क्यों मार डाला बीजी? मुझे कैसे पता होगा, ये तो मुझे क्यों पूछ रही है? बीजी, महेश भैया का एक्सीडेंट ही था ना? कहते तो सभी लोग यही है, पर जो वो ट्रक था, उसका ड्राइवर था, उसको पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई है, किसी ने उसे देखा तक नहीं। फिर भी लोग यही कहते हैं कि सिर्फ एक एक्सीडेंट था। कैसे एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। मेरा जवान बेटा था, अच्छा बेटा, पूरी जिंदगी पड़ी थी उसकी, एक ही झटके में खत्म, सब खत्म। लेकिन बीजी, सुखदेव भैया ने मनदीप को क्यों मार डाला? आपकी तो इतनी बातें होती है सुखदेव भैया से, कुछ तो बोला होगा। साहब, खबर पक्की है, सुखदेव 1.5 महीने से यही है और कहीं भागने की फिराक में मुझे लगता है। 1.5 महीने से एक ही लॉज में? वही, उसे ढूंढ नहीं रहा था ना, हम सब मनदीप को ढूंढ रहे थे, तो ये भाई अपना मजे से खुला घूम रहा था। उस्मान, हम 2 घंटे में पहुंच रहे हैं वहाँ, बस उसे तू निकलने मत देना, अगर कोशिश करे तो तू ही धर लेना उसे, आदमी है ना तेरे? हाँ जी बिल्कुल है ना। जी, मनदीप खोसा को क्यों मारा तुमने? शिमला का प्लान बनाना, मनदीप को बहला फुसला कर अपने झूठे प्लान में शामिल करना, जानबूझ के अपनी माँ से झगड़ा करके घर छोड़ना, ये सब ढोंग तूने इसलिए रचा ना ताकि मनदीप को मार के अपने आप को मरा हुआ साबित कर सके।
सही कह रहा हूं ना? देख सुखदेव, तू अब पकड़ा गया है, बेहतर यही है कि सब कुछ सच सच बता दे। क्यों मारा मनदीप को? महेश क्यों मारा? मनदीप के मर्डर और महेश की मौत में कोई कनेक्शन है? दोनों जानते थे एक दूसरे को? जिस ट्रक ने मारा उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इनकी मौत मौके पर ही हो गई थी। राह गुजरते कुछ लोगों ने हमें इशारा किया। नहीं, मेरा महेश नहीं मरा है। बीजी, मेरे महेश को कुछ नहीं हुआ है। मेरा महेश नहीं मरा, मेरा महेश नहीं मरा है, मुझे कुछ नहीं हुआ। सके मेरा महेश नहीं महेश अठवाल मनदीप खोसा को बिल्कुल नहीं जानता था, तो सवाल यह उठता है कि मनदीप का महेश की मौत से क्या ताल्लुक हो सकता है। जब मनदीप के कत्ल का मकसद सामने आया तो यह केस सर के बल उलट गया। कहां से शुरू हुआ था और कहां खत्म होने को जा रहा था? सुखदेव, मेरी बर्दाश्त को मत आजमा। मनदीप को स्ट्रक से कोई ताल्लुक था क्या जिसने महेश को उड़ा दिया? फिर क्यों? क्यों? आंटी जी, महेश की मौत? आंटी जी, महेश की मौत से उभर नहीं पा रही थी। उन्हें महेश दिखाई देता था, उसे गुजारिश करता था। क्या गुजारिश करता था? आंटी जी, महेश की मौत से उभर नहीं पा रही थी। उन्हें महेश दिखाई देता था, उसे गुजारिश करता था। क्या गुजारिश करता था? वो बहुत दुखी है, बेचैन है। यहाँ घर में बात करने से हिचकिचाता है। मैं गई थी जंगल उससे मिलने, उसकी आत्मा को बुलाने। तो आया महेश? महेश ने कुछ बोला? पिजी, पिजी। जी, महेश पुत्र, महेश घर में घूमता है ना, तब ठीक लगता है। पर जब वहां जंगल में मैं खास पूजा करती हूँ ना, तब उसका असली रूप सामने आता है। सर से खून, कितना खून। बोलता क्या है? कुछ नहीं बोलता, पर मुझे पता है, मुझे साफ दिखता है कि वो बहुत बेचैन है। उसे जाना नहीं था, उसका वक्त नहीं था। मेरे महेश की आत्मा भटक रही है, भटक रही है मेरे महेश की आत्मा। क्या कर सकते हैं महेश की आत्मा की शांति के लिए? मैंने ना ये बाबा फकीर और तांत्रिकों से खास पूजा सीखी है। बहुत मुश्किल होता है एक भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाना। कितना मुश्किल, आप मुझे बताइए। मैं सब कुछ करूंगा, मैं लेके आऊंगा जो भी चाहिए। एक आत्मा की कीमत है दूसरी आत्मा। दूसरी आत्मा? बलि, इंसान की बलि। हम इस दुनिया से एक आत्मा को छोड़ेंगे और मेरे महेश की आत्मा इस दुनिया को छोड़ेगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। अपने भाई, अपने दोस्त की आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाएगा। लेकिन आंटी, नरबलि का मतलब किसी जीते जागते आदमी की हत्या करनी होगी। करनी होगी। तूने मनदीप को महेश की आत्मा की शांति के लिए मार डाला। लेकिन मनदीप ही क्यों? तूने मनदीप से सिर्फ इसलिए दोस्ती की ताकि तू उसे मार सके? फिर मनदीप क्यों? आंटी जी, आंटी जी, वो मिल गया जिसकी बलि दे सकते हैं।
मेरा एक दोस्त, मंदीप नाम है उसका। अब तुम्हें ना सब कुछ सोच समझ कर करना होगा कि कैसे करोगे। मंदीप बिल्कुल सही बलि है मेरे महेश के लिए। मंदीप ही क्यों सुखदेव? आंटे जी के तंत्र मंत्र के ज्ञान के हिसाब से जिसकी बलि दी जाए उसका नाम मां से शुरू होना चाहिए था। कोई और अक्षर बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसकी भी हम बलि देंगे ना उसका नाम मां से शुरू होना बहुत जरूरी है, जैसे मेरे महेश का नाम है, वरना बलि बेकार हो जाएगी। बहुत सोचा मैम, तो ख्याल आया अपना मंदीप तो मां से। तूने मंदीप को महेश की आत्मा की शांति के लिए मारा और मंदीप को सिर्फ उसके नाम की वजह से चुना। बीजी क्या किया आपने? बीजी बताओ ना सर, क्या किया मेरी बीजी ने सर? प्लीज बताइए ना बीजी, कहाँ लेके जा रहे मेरी बीजी को सर? कहाँ लेके जा रहे मेरी बीजी? क्या किया मेरी बीजी को सर? बीजी सुखी, किसी मासूम का कत्ल कैसे कर दिया तूने? कैसे पुत्र? सुखदेव पुत्र, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो औरत अरुणा पागल हो गई है और तुझे भी पागल बना रही है? ताया जी, मुझे लगा कि महेश की आत्मा को शांति मिल जाएगी, शायद मिल भी गई होगी। अपने काले जादू से और किस किस से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने? मैंने सिर्फ मेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए किया ये सब। ये वक्त नहीं था उसके जाने का, भटक रही थी उसकी आत्मा, पर अब वो मुझे नहीं दिखता, उसे शांति मिल गई। कितनी खुदगर्ज हो तुम, तुमने एक पूरी तरह से निर्दोष जवान आदमी को मरवा दिया, एक बेवकूफ जवान आदमी से कत्ल करवा के उसे जेल भिजवा दिया। तुम्हारी इन करतूतों की वजह से अब तुम्हारी बेटी की यादों में तुम्हारी ममता नहीं बल्कि तुम्हारा ये खूनी चेहरा उसे याद रहे। सब माया है, मुक्ति ही एकमात्र सच जो मेरे मेरे महेश को मिल गई। तुम्हारे बेटे महेश के साथ जो हुआ वो तुम्हारे पूरे परिवार की बदनसीबी थी, पर मंदीप के परिवार पर जो गुजरी उस पर जो गुजरी वो एक संगीन जुर्म है जो तुमने किया है। तुम्हारा बेटा तुम्हें दिखता था या नहीं, उसकी आत्मा को शांति मिली या नहीं पता नहीं, पर तुमने जो ये जुर्म किया ना, इस जुर्म का अंजाम अब तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने देगा। मंदीप के परिवार वाले उसकी मौत का कारण सुनकर सुन्न पड़ गए थे। मम्मी सुबह तक आ जाऊंगा। पूरा शहर सुन पड़ गया था यह जानकर कि मंदीप सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसका नाम मां से शुरू होता है। सुखदेव बन्ना और अरुणा अटवाल पर मंदीप खोसा मर्डर केस के चार्जेस लगाए गए, चार्जशीट फाइल हुई और ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल कोर्ट ने दोनों मुजरिमों सुखदेव बन्ना और अरुणा अटवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। किसी की जान लेकर किसी भी इंसान को शांति नहीं मिल सकती, फिर भले ही वो इंसान जिंदा हो या मर चुका हो। इस केस में जो हुआ वो सिर्फ एक औरत का भ्रम नहीं था बल्कि एक आदमी की बेवकूफी भी थी। किसी करीबी इंसान की मौत से कोई भले कितने ही दुख में क्यों ना डूबा हो, काला जादू उसे कभी बाहर नहीं ला सकता। किसी की आत्मा को हाजिर करना, उनसे बातचीत करना, ये सारी बातें सिर्फ एक दिमागी फितूर है, एक कल्पना है, हकीकत में कभी नहीं होती। और अगर कोई ये दावा करता है कि वो जादू टोने से ऐसा कर सकता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार करवाएं, वो सरासर फ्रॉड है। एक से एक लोग आते हैं ये दावा करते हुए कि किसी की मानसिक या आर्थिक समस्या का हल काला जादू है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। और ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो जिंदगी को एक खूबसूरत तोहफा समझकर जीते हैं, महक बांटते फिरते हैं। जिंदगी वाकई गुलजार है। किसी भी इंसान को यह हक या अनुमति ना दें कि वो आपकी जिंदगी को निराशा और डिप्रेशन से भर दे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।